अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं आटो कैट 2015 में लेसन नंबर 58। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे ग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट, अनग्रुप ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ग्रुप ऑब्जेक्ट, ऐड ग्रुप सेटिंग एंड मेजर द ऑब्जेक्ट लेंथ, स्केल, एंगल, रेडियस वगैरह। तो आज के लेसन में भी ये जो टूल्स हैं ये भी ऑटोकैड 2015 में लेटेस्ट टूल हैं, जो कि ऑटोकैड 2007 में नहीं थे। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोकैड ओपन हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये भी जितने टूल्स हैं ये भी ऑटोकैड 2015 में और आई थिंक 2014 में भी होंगे, उसके अलावा 13 में भी मे भी हो सकते हैं ये। और क्योंकि हम तो ऑटोकैड 2015 में यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ऑटोकैड 2014 या 13 के लेआउट के बारे में नहीं पता कि उसमें क्या क्या चीज़ें, मेन्यू क्या, कौन कौन से, क्योंकि मैंने ऑटोकैड 2007 और उसके बाद अब मैं ऑटोकैड 2015 पे काम कर रहा हूँ। तो ऑटोकैड मेरे पास ओपन हो रहा है। अब ऑटोकैड के ऊपर डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि ये टूल्स कौन से हैं, उनमें क्या क्या काम हो सकता है। ओके, अब मैं यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग्स पे क्लिक करता हूँ, F7 प्रेस करता हूँ, ग्रिड को ऑफ करने के लिए F7 प्रेस किया मैंने। और आपको होम टैब में सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे ग्रुप नजर आ रहा होगा, ग्रुप देख सकते हैं, ग्रुप में अन ग्रुप है, ग्रुप एडिट है और ग्रुप सिलेक्शन ऑन ऑफ है। यहाँ पे देखें ग्रुप मैनेजर है और ग्रुप बाउंड्री बॉक्स वगैरह है। उसके अलावा मैयर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैयर डिस्टेंस है, रेडियस है, एंगल है, एरिया, वॉल्यूम है। और ये आपके मैयर के भी लिहाज से भी आज हम डिस्कस करते हैं। क्विक सिलेक्शन है, सिलेक्ट ऑल है और कैलकुलेटर, तो इसके ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं चीज़ों के ऊपर। तो सबसे पहले लेयर ग्रुप, ग्रुप का फंक्शन ही होता है, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। यहां तक रेक्टेंगल ही ड्रॉ किया, एक सर्कल भी ड्रॉ कर देता हूँ, मूव करता हूँ सर्कल को। ओके, अब मेरे पास ये एक अलग से ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अलग से, मैं जब सिलेक्ट करता हूँ तो दोनों अलग अलग सिलेक्ट होते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यही सिलेक्ट हो रहा है, मैं इसको मूव करता हूँ तो सिर्फ यही मूव हो रहा है, मैं अब इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये अलग से सिलेक्ट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है ये ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए, मीन मैं एक को सिलेक्ट करूँ तो दूसरा भी सिलेक्ट हो जाए और ये दोनों ऑब्जेक्ट ग्रुप में आ जाए। तो उसके लिए आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट आपके पास हैं, ज़रूरी नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट हों, इससे ज़्यादा भी जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे इन सबको आप सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें, एंटर कर दें। तो ये देखें आपके पास ग्रुप हो गए ऑब्जेक्ट, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। देखता हूँ मैं ये क्या मसला है, मैं दोबारा करता हूँ ग्रुप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ से कह रहे हैं नेम डिस्क्रिप्शन, नेम अपोजिट कॉर्नर टू फाउंड वन ग्रुप, एंटर कर देता हूँ मैं। और कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं देखिए यहाँ पे इसमें ऑप्शन दिया, कह रहे हैं अ ग्रुप विथ सेम ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्रिएट अ न्यू ग्रुप ऑलवेज। तो मैं यहाँ पे यस करता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया, लेकिन ये ग्रुप नहीं बन रहा क्योंकि ये सेम ऑब्जेक्ट, इसके मैंने एक पहले भी एक ग्रुप बनाया हुआ है जो कि मैं प्रैक्टिस के लिए बना रहा था। तो मैं एक और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक और सर्कल लेता हूँ या आर्क लेता हूँ या रेक्टेंगल लेता हूँ, पॉलीगन, आप कोई भी स्टाइल ले सकते हो, पॉलीगन लेता हूँ। इसका मैं ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ग्रुप पे के लिए मैं क्लिक करता हूँ। और एक और चीज़ भी मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया, आप देख सकते हैं, तो ग्रुप सिलेक्शन मैंने ऑफ की हुई है, इस वजह से भी ये नहीं काम कर रहा। तो ग्रुप सिलेक्शन को हमेशा ऑन रखें और अब जब सिलेक्ट करेंगे आप तो आप बस देखिएगा ग्रुप बना हुआ है, लेकिन वो ग्रुप सिलेक्शन मैंने ऑफ की हुई थी तो वो चीज़ मेरे जहन में नहीं रही। तो ये ग्रुप बना हुआ है क्योंकि इसमें यहाँ से मैंने ग्रुप सिलेक्शन को ऑफ किया हुआ है, अगर इसको ऑफ किया हुआ था अभी मैंने ऑन किया है
तो इसको अगर ऑफ रखेंगे तो फिर आपकी सिलेक्शन जो है ना ग्रुप की वो नहीं होगी। जब आप इसको सिलेक्शन आप इसकी ऑन रखेंगे तब जाके आपके पास ये ग्रुप जो है सिलेक्ट, देखें क्या हुआ है, तो ये ग्रुप बना हुआ है आपके पास, देख सकते हैं। तो ये था जी ग्रुप। ग्रुप के बाद अनग्रुप करना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट को, आप चाहते हैं नहीं अनग्रुप हो जाए कि जब भी आप चाहें तो आपके पास रेक्टेंगल अलग से मूव करो ये अलग से मूव करे, तो उसके लिए आप इसे अनग्रुप करें। अनग्रुप में करता हूँ उसको और अनग्रुप के लिए एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ से। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, मैं दोबारा अनग्रुप करता हूँ। ओके, अब वो अनग्रुप हो गया ऑब्जेक्ट, देख सकते हैं। सो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको, तो ये सिलेक्ट हो गया, ये अलग हो गया है और ये अलग हो गया, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट अनग्रुप हो गए, देख सकते हैं। तो ये था जी अनग्रुप का फंक्शन। एडिट ग्रुप, एडिट है, क्लिक करेंगे इसमें तो अगर हमारे पास ग्रुप बना हुआ है कोई, तो उसके लिए उसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हो। तो मैं ग्रुप पे क्लिक करता हूँ, ग्रुप बन गया। अब इन ग्रुप में एडिटिंग करना चाह रहा हूँ तो एडिट पे क्लिक करता हूँ और इस ग्रुप को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब कह रहा है ऐड ऑब्जेक्ट, इसमें और भी कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, रिमूव ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाह रहे हैं, रीनेम ऑब्जेक्ट, इस ग्रुप का नाम चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप ये तीनों काम कर सकते हैं। ऐड ऑब्जेक्ट के लिए मैं ए प्रेस करता हूँ, ए प्रेस किया, कोई और ऑब्जेक्ट अगर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ग्रुप ये बना हुआ है और एक और में फॉर एग्जाम्पल सर्कल है, इस सर्कल को मैं इस ग्रुप में लाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस ग्रुप पर पहले सिलेक्ट करता हूँ और एडिट ग्रुप पे क्लिक करता हूँ और इसमें आप ऑब्जेक्ट को ऐड करना चाह रहे हो तो ऐड के लिए ए एंटर करता हूँ और उस ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ से। सिलेक्ट करके मैं एंटर करता हूँ ना, तो अब देखें कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट, तीनों ग्रुप हमारे पास एक ग्रुप बन गए, देखें तीनों ऑब्जेक्ट एक ग्रुप बन गए। उसके अलावा अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो एडिट ग्रुप पे क्लिक करें, आप रिमूव ऑब्जेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप आर एंटर करेंगे, आप जिस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाह रहे हैं आप उसके लिए उसको सिलेक्ट करें, एंटर कर दें। अब आपके पास सिर्फ वही ग्रुप बन गए दो, ये वाला उस ग्रुप में से रिमूव हो गया ऑब्जेक्ट। और ये था जी ग्रुप, रिमूव का फंक्शन था। ओके, तो ये था ग्रुप और ग्रुप का फंक्शन। अब नेक्स्ट लेसन मीन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यूटिलिटीज में हमारे पास मैयर है, तो मैयर के लिए मैं क्या एंटर करता हूँ, F8, स्ट्रेट लाइन के लिए F8। और मैयर करने से पहले पहले मैं यूनिट सेट करता हूँ, इंजीनियरिंग 0 फुट 0 इंच, और ओके। डायमेंशन के लिए डी एंटर, मॉडिफाई इंजीनियरिंग 0 फुट 0 इंच एंड ओके, सेट करंट एंड क्लोज। लाइन लेता हूँ एल एंटर, 3 फिट की मैंने लाइन ले ली। अब इसको मैं मेजर करना चाह रहा हूँ तो मेजर करने के लिए मेजर पे क्लिक करता हूँ, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस मेजर करने के लिए डिस्टेंस फर्स्ट कॉर्नर पे और सेकंड कॉर्नर पे क्लिक करें, तो आपको देखें 3 फुट 6 इंच आपको बता रहा है कि डिस्टेंस इसने मेजर कर दिया। रेडियस मेजर करना चाहें तो उसके लिए आर प्रेस करेंगे, एंगल करना चाहें तो ए प्रेस करेंगे, एरिया करना चाहें तो उसके लिए आर ए आर प्रेस करेंगे क्योंकि ए आर दोनों कैपिटल लिखे हुए हैं। वॉल्यूम के लिए वी, और अगर एग्जिट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक्स, तो एक्स में प्रेस करता हूँ तो ये इसे ख़त्म हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही होंगी, सारे रेडियस है, एंगल है, एरिया, वॉल्यूम है, तीनों चीज़ें। रेडियस मालूम करना चाह रहा हूँ तो रेडियस के लिए मैं सेंटर एक सर्कल लेता हूँ, ये सर्कल लिया, अब इसका रेडियस मालूम करना है मैंने, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और रेडियस पे क्लिक करता हूँ इस ऑब्जेक्ट के। तो अब देखिए आपको रेडियस इसने एक तो डॉट करके यहाँ से बता दिया और रेडियस बता रहा है 1 फुट 3 इंच हमारे पास रेडियस है इसका, देख सकते हैं। डायमीटर 2 फुट 6 इंच आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यह गया रेडियस। एंगल मालूम करने किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो आप एंगल मालूम कर सकते हैं, तो एल एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे, मैं इस पे और इसका एंगल मालूम करना चाह रहा हूँ, तो F8 प्रेस करता हूँ, मैं इस एंगल में लेके जाता हूँ इसे, तो आप ये 134 का या समथिंग कोई एंगल है तो वो आप मेजर करना है, तो अपने एंगल पे क्लिक करें, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, सेकेंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, तो ये आपको बता रहा है एंगल, देखें 133 डिग्री हमारे पास एंगल है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको एंगल भी बता रहा है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे एरिया मालूम करना चाह रहे हैं, एरिया कितना है टोटल, तो आप एरिया मालूम कर सकते हैं, तो एरिया के लिए मैं फॉर एग्जाम्पल एल एंटर करता हूँ, ये पूरा एरिया मैं देखना चाह रहा हूँ कितना कवर हुआ है,
उसके लिए आप एरिया भी मैयर कर सकते हैं। तो एरिया में क्लिक करता हूँ, एरिया के लिए मैं फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, सेकंड पे क्लिक करता हूँ और थर्ड पे क्लिक करता हूँ, तो आपको एरिया टोटल बता देगा यहाँ पे। क्लिक करें यहाँ पे तो आपको एरिया बता रहा है 396 स्क्वायर है, देख सकते हैं 2.75 स्क्वायर फिट है, पैरामीटर बता रहा है, हर चीज़ यहाँ पे आपको बता रहा है, 10 फुट 10 इंच है। तो ये टोटल इसने एरिया यहाँ का बता दिया। तो यही एरिया आपने जितना भी चाहते हैं आप उतना ज़्यादा आप एरिया मेजर कर सकते हैं। और एरिया के बाद है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए मैं वॉल्यूम इसका मेजर करना चाह रहा हूँ। तो ये पूरा एरिया इसका मैं वॉल्यूम देखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम देखता हूँ। अपने एरिया को सिलेक्ट करना है जितना अपने वॉल्यूम देखना है, बस यहाँ तक देखता हूँ, एंटर करता हूँ क्योंकि टाइम लग जाता है। तो वॉल्यूम आपको बता रहा है, देखें 1663 क्यूबिक वॉल्यूम है हमारे पास, और यहाँ पे इसने वॉल्यूम बता दिया। तो एग्जिट करें, एक्स एंटर करें, तो ये क्यूब में आपको वॉल्यूम भी बता दिया इसने और एरिया भी आपको बता देते हैं। उसके बाद हमारे पास जी क्विक सिलेक्ट है। क्विक सिलेक्ट का फंक्शन ये है कि मैं इस एरिया को या इस ऑब्जेक्ट को मैं सिर्फ जल्दी सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ क्विक, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें और बस आपने सिर्फ यहाँ पे क्विक सिलेक्शन के लिए कलर है, लेयर है, देखें लाइन टाइप है, तो मैं लाइन टाइप को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ लाइन टाइप को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए मेरे पास ये लाइन टाइप सिलेक्ट हो गई है। कलर सिलेक्ट करना है तो आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, या मैं दो तीन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक लाइन ये दे दी और एक लाइन मैंने यहाँ से ये दे दी, एक आर सी रेक्टेंगल दे दिया, यहाँ से एक सर्कल दे दिया। इसकी लाइन टाइप चेंज करता हूँ मैं, बाय ब्लॉक करता हूँ फॉर एग्जांपल ये कोई भी, और ठीक है अब मैं इसको सिलेक्शन करता हूँ। तो एक क्विक सिलेक्ट सिलेक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप यहाँ से क्विक सिलेक्ट पे क्लिक करें और कलर है, कलर सिलेक्ट करते हैं, कलर आ जाएगा मल्टीपल, आप कर्सर सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कर्सर सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैं लाइन टाइप सिलेक्ट कर रहा हूँ या फिर मैं कलर सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं लाइन टाइप सिलेक्ट करता हूँ जिसमें लाइन टाइप कोई दी हुई हो, तो उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, बाय ब्लॉक वाली लाइन को सिलेक्ट करता हूँ मैं, ओके करता हूँ। यहाँ पे देखिए बाय ब्लॉक वाली लाइन मेरे पास क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। इसके अलावा कलर को सिलेक्ट करना है तो आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट करता हूँ मैं इसको और मैं इसको कलर चेंज करता हूँ, रेड कलर वाली को मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। देखिए अभी कोई भी सिलेक्ट नहीं की हुई मेरे पास, तो मैं क्विक सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अब सिलेक्शन दूंगा जी कलर, कलर पे क्लिक करके ओके करता हूँ मैं यहाँ पे, और कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करें, कौन सा कलर था, आई थिंक ये वाला कलर है, जो भी कलर है ओके करें। वो मैंने कलर सेलेक्ट नहीं किया, ये कलर यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, रेड कलर देता हूँ ये वाला, या येलो देता हूँ जो यहाँ से क्लियर नज़र है, ब्लैक बोल के देता हूँ, ब्लैक कलर ओके। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे कलर, क्विक सिलेक्शन और कलर, कलर सिलेक्ट करता हूँ, कौन सा कलर दिया हुआ जी मैंने, ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक कहाँ पे जी, ये नीचे दिया ब्लैक, ओके करता हूँ, ओके करूँगा मैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे इसने सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन इसको ब्लैक कलर ही सिलेक्ट कर लेता है, तो थोड़ा सा उस कलर में फ़र्क हुआ होगा। और उसके अलावा फिर मैं क्लिक क्विक सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, लाइन वेट है, ट्रांसपेरेंसी है, हाइपरलिंक अगर आपने दिया हो उसको करना चाहे, लेयर्स को सिलेक्ट करना चाहे, लाइन वेट को करना चाहे, लाइन स्केल को, लाइन वेट को करना चाहे, तो आप लाइन वेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिसका 10 हमारे पास इस तरह का लाइन वेट दिया हो तो उसको सिलेक्ट करेगा, लेकिन वो भी हमने नहीं दिया हुआ तो उसके लिए लाइन वेट देना ज़रूरी है। तो ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए होता है आपके ऑब्जेक्ट में, आपने अगर किसी और एरिया को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्शन के लिए। क्विक सिलेक्ट के बाद है यहाँ पे सिलेक्ट आल, सारे के सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, सारे के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, और उसके बाद है कैलकुलेटर का ऑप्शन है, कैलकुलेटर पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास एक कैलकुलेटर आ जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर अपने रेंज वगैरह देना चाहें तो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो यह जी आपके पास कैलकुलेटर आ गया जी।
उसके यूटिलिटीज में आईडी है, पॉइंट स्टाइल है, और पॉइंट स्टाइल हम कर चुके हैं, ये पॉइंट स्टाइल हम कर चुके हैं फॉर्मेट में। अगर आपको याद नहीं है तो आप देखें फॉर्मेट में हम गए थे, और फॉर्मेट में हमने जाके यहाँ से पॉइंट स्टाइल पे क्लिक किया था, देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम वहाँ से कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इन सब लेसन को बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छी तरह से इन पर काम कर सकें। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, खुदा हाफिज़।